नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवन, फाउंडर और डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं जल्द ही टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के डिस्कशन के साथ लौटूंगा। सो उस प्रोसेस में मैं आज आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन से, यूनिट से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करूंगा। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके क्या कंटेंट हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बताए गए हैं। उन सभी कंटेंट्स का मैंने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। जो स्टूडेंट्स हमारा पिछला वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड का नहीं देखे, वो टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल इन्फॉर्मेशन का वीडियो जरूर देख लें। उसी क्रम में या सीक्वेंस में ये दूसरा वीडियो जो मैं आज शूट कर रहा हूँ, वो उसी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी टीचिंग एप्टीट्यूड में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कंटेंट्स पे मैं आगे आपको डेप्थ में पढ़ा दूंगा, पर एक शॉर्ट एक ब्रीफ ऑफ तैयारी के साथ कि क्या क्या पूछा जाता है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड में आते हैं, हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट को तैयार करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उस पर आधारित यह वीडियो मैंने समराइज किया है। स्टूडेंट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल देता है। यहाँ सैद्धांतिक ज्ञान बहुत कम, थोड़ा है जरूर, ऐसा नहीं कि सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, परंतु सैद्धांतिक ज्ञान पर कम बल दिया जाता है और फैक्ट्स पर बिल्कुल प्रश्न नहीं आते। जाहिर सी बात है, टीचिंग एप्टीट्यूड में फैक्ट्स जैसी चीजें उतना नहीं होता है। फैक्ट्स के लिए अन्य यूनिट्स होती हैं, जैसे हायर एजुकेशन, ICT, एनवायरमेंट, कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, टीचिंग और रिसर्च, ये दो यूनिट ऐसी हैं जो फुल्ली आपके थॉट्स पर आधारित होती है। मतलब आप सोचते कैसा है, आपकी विचार कैसे हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट के दौरान, क्लासरूम की कम्युनिकेशन के दौरान आपके हाव भाव, आपकी सोच, आपकी मानसिकता कैसी रहती है, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ किस प्रकार का एटीट्यूड रखती है। स्टूडेंट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें एक वर्ड आता है एप्टीट्यूड और टीचिंग यानी शिक्षा। एप्टीट्यूड एक कॉमन वर्ड है जिस टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ रिसर्च एप्टीट्यूड में भी प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड की मीनिंग क्या है, इसको जानना जरूरी है। हिंदी में हम अभिक्षमता, वेरी फास्टली आपने तुरंत कहा होगा एप्टीट्यूड मतलब अभिक्षमता, मतलब नहीं, ये ट्रांसलेशन है। अक्सर यही होता है, जैसे हम स्टूडेंट्स से पूछते हैं किसी वर्ड की इंग्लिश में उसकी मीनिंग, तुरंत ही उसका हिंदी ट्रांसलेशन, या हिंदी तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। और आप भी अक्सर ऐसी ही गलतियां इंटरव्यू वगैरह में कर जाते हैं। मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, उनसे पूछा जाता है इस वर्ड की मीनिंग, तो तुरंत इंग्लिश बता दिया, या इंग्लिश में पूछा तो हिंदी बता दिया। स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, एप्टीट्यूड एक डेप्थ वर्ड है और एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। देखा जाए तो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों में कॉमन है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब अभिक्षमता। अब ये अभिक्षमता का क्या मतलब है? अभिक्षमता एक प्रकार की क्षमता को निरूपित करती है जो शिक्षण के दौरान विकसित होती है, या शोध के दौरान विकसित होती है, या किसी भी कार्य के दौरान विकसित होती है। ये सीखने के स्तर या सीखने के क्रम में विकसित होती है। सीखने का जो सर्वप्रथम क्रम विकसित होता है, यानी जब व्यक्ति सीखने के लिए प्रेरित होता है, तो वो सबसे पहला क्रम है, सबसे पहला स्तर है, वो है रुचि का विकास होना, इंटरेस्ट डेवलपमेंट। जब व्यक्ति में इंटरेस्ट डेवलप होता है तो व्यक्ति सीखता है। लेकिन इंटरेस्ट एक सामान्य सी अवधारणा है, सामान्य सा तथ्य है, जो एक समय में कई चीजों में व्यक्ति में देखा जा सकता है। और इंटरेस्ट आए दिन हमें बदलता रहता है, इंटरेस्ट आए दिन हम कुछ चीजों पर लेते चलते हैं। परंतु जब यही इंटरेस्ट किसी चीज पर स्थायित्व रख लेता है, स्थायित्व हो जाता है, यही इंटरेस्ट जब किसी चीज या किसी कॉन्सेप्ट के प्रति गहराई से फोकस करने लगता है, यही इंटरेस्ट उस व्यक्ति को किसी भी तत्व पर बहुत अधिक सोचने पर बल देता है,
जिससे वो व्यक्ति उस तत्व को हर अंग से, हर आयाम से देखने और समझने का प्रयास करता है, तो यही अभिक्षमता में परिणत हो जाती है। अभिक्षमता के ऊपर जो तीसरा स्तर आता है वो अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड का आता है। एटीट्यूड में हमारे व्यवहार में हमारी क्रियाएं झलकने लगती है। जैसे एक पुलिस वाला अगर सिविल ड्रेस में भी किसी से बात कर रहा है तो उसके बात करने के व्यवहार से ये पता चलता है कि वह एक पुलिस वाला या कोई प्रभावी व्यक्ति है। इसी प्रकार से एक डॉन, एक वकील, एक शिक्षक जब किसी अन्य व्यक्तियों से बिना अपने प्रोफेशनल ड्रेस में या प्रोफेशनल स्थानों से हटकर कहीं बात करते हैं तो उनके बात करने में, उनके व्यवहारों में उनके कार्य झलकने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि उनका एटीट्यूड देखो। लेकिन यहाँ पर आप चूंकि किसी प्रोफेशन से नहीं जुड़े, शिक्षण के प्रोफेशन में नहीं है, ना ही शोध के प्रोफेशन में है, इसलिए आपसे शिक्षण के एप्टीट्यूड की जांच ना करके एप्टीट्यूड की जांच होनी है। एप्टीट्यूड यानी आपको कितना अधिक समझ, कितना अधिक जानकारी उस विषय में है। शिक्षण में आपकी समझ कितनी विकसित है, कितनी गहराई से शोध के प्रति आपने अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को, अपनी सोच को लगाया है, कितना ज्यादा आप शिक्षण को समझते हैं, इस प्रकार से शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ होता है। स्टूडेंट्स, मैं अब आपसे कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स जो कि ईयरली क्वेश्चंस के मठानी को मटते हुए, यानी मैंने पूरे 15 साल के क्वेश्चंस को 100-150 क्वेश्चंस को उठा करके मठानी लेके मठा तो जो ऊपर क्रीम निकल के आया, उनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूंगा जिससे आपने व्यवहारिक क्षमता का विकास हो। मैंने पिछले भी आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हमें अपने व्यवहार का विकास, परिमार्जन या शुद्धिकरण करना है, ऐसे टीचर सोचना है। और सोचना और होने में बड़ा डिफरेंस होता है। आप कोई टीचर है नहीं कि आप फटाक से जवाब देंगे ऐसी परिस्थिति में मैं ऐसे करूंगा। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन जब आता है कि एक शिक्षक को ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए तो जनरली जो टीचर होता है वो उत्तर देता है ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो टीचर नहीं है, स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट की बिहेवियर, स्टूडेंट की सोच से टीचर का उत्तर देता है। जाहिर सी बात है, इंटरप्रेट हो जाता है और भावों में बदलाव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो विकल्प हैं वो गलत हो जाते हैं और हमें सही लगता है परंतु आयोग उन्हें गलत साबित कर देता है। फिर हम उत्तर तालिका आंसर से जब देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने ये गलत ऑप्शन किया था और ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए या हम तो ऐसा नहीं मानते। लेकिन यहाँ आपके सोचने और मानने से ना हमें फर्क पड़ता है, बल्कि हमें इन बातों पर ध्यान देना है कि वास्तविकता क्या है और वास्तविक सोच क्या है। स्टूडेंट्स, जो तथ्य आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जो सारे तथ्य हैं वो वास्तविक रूप से देखा जाए तो निचोड़ हैं और एजुकेशनल रिसर्च से निकले हुए फैक्ट्स हैं। एजुकेशनल रिसर्च का मतलब समझ रहे हैं, शैक्षणिक क्षेत्रों में जो शोध हुए, यानी जो बातें, अब जो प्रश्न जिन मुद्दों पे मैं डिस्कस करूंगा उस पर हमारे विचार ही केवल या आपकी सोच नहीं बल्कि बहुतायत रूप से उस पर क्या विचार है उसको आयोग सत्य मानता है, उसके अकॉर्डिंग आयोग उत्तर प्रश्नों को बनाता है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा शिक्षण क्या है, व्हाट इज टीचिंग। तो उपयुक्त उत्तर बनता है कि शिक्षण एक माध्यम है या एक साधन है, एक साध्य है, मतलब उपयुक्त उत्तर नहीं बल्कि ये विकल्प बनता है, शिक्षण एक साधन है या एक साध्य है। तो विकल्प तीसरा भी होता है कि ये साधन व साध्य दोनों है, और चौथा विकल्प हो सकता है कुछ अन्य या कोई अन्य तथ्य। अधिकतर स्टूडेंट्स इसका उत्तर देते हैं साधन व साध्य दोनों है, जबकि इसका सही उत्तर है, सही तथ्य है कि ये साधन है, साध्य नहीं। साध्य है हमारा लक्ष्य जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम शिक्षण के रास्ते को अपनाते हैं, यानी टीचिंग इज अ मीडियम टू अचीव अवर गोल। सो टीचिंग इज अ मीडियम, शिक्षण क्या है, एक साधन है, ठीक है। इसके बाद
एक और प्रश्न बन के आता है कि कक्षा में संप्रेषण किस पर केंद्रित होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम केंद्रित होना चाहिए? तो ये जान लीजिए, बेहतर जो शिक्षण माना गया है वो छात्र केंद्रित होता है। तो छात्र पर विचार, छात्र के आधार या छात्र के विकास, छात्र को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना, इसलिए हमेशा इसका उत्तर इस ऐसे प्रश्नों का छात्र केंद्रित देना होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब प्रश्न आए तो प्रश्न को ठीक से पढ़िएगा, उसमें देखने का प्रयास करिएगा कि उच्च शिक्षा के अलावा मध्य शिक्षा या कहा जाए तो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होते हैं जो यूनिवर्सल फैक्ट पे बने होते हैं, अतः यूनिवर्सल फैक्ट के क्वेश्चन तीनों प्रकार के माध्यम के शिक्षा पर एक ही उत्तर होते हैं। ठीक है, वो प्रश्नावली के दौरान अभी आपको और बेहतर रूप से समझ में आता चलेगा। अधिकतर एक प्रश्न पूछा जाता है कि अध्यापक की सफलता कब कही जाएगी? तो ये नोटिस कर लीजिए, अध्यापक तभी सफल माना जाता है जब वह अपने स्टूडेंट्स को एक बेहतर नागरिक के रूप में परिवर्तित करता है। क्योंकि सिर्फ कंटेंट अध्ययन ही सफलता नहीं है और सिर्फ सिर्फ रिजल्ट ला देना ही सफलता नहीं है, बल्कि बेहतर इंसान बनाना भी जरूरी है। एक एग्जाम्पल के रूप में लादेन, जो कि एक इंजीनियर था, जाहिर सी बात है उसके शिक्षकों ने उस पर मेहनत किया और पढ़ाया और कंटेंट अच्छा पढ़ाया, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा ना हो सका। परिणाम स्वरूप उसे विश्व के किसी भी कोने में स्थान नहीं मिली, एक भूमि भी उसको ना मिली और अंत में उसे पैसिफिक ओशन में दफनाया गया। तो एक अच्छा व्यक्ति बनाना एक शिक्षक का उद्देश्य होता है। स्टूडेंट्स, आपको अगर बेहतर शिक्षक बनना है तो मेरा एक मूल मंत्र अपने अंडर डाल लीजिए, वो ये, भाव से शिक्षण कीजिए, भाव से, इमोशंस के साथ टीचिंग कीजिए। बच्चों से रुष्टता नहीं होना चाहिए, बच्चों से नाराजगी ना होकर के उनके प्रति भावना होना चाहिए। हम ये मान सकते हैं कि हम 100% भावनात्मक रूप से नहीं व्यक्त हो सकते, क्योंकि शिक्षण एक प्रोफेशन हो जाता है और हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम सारे छात्रों को लेकर चलते जाएं। लेकिन प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, जितना अधिक भाव प्रवण हो सके उतना बेहतर है, क्योंकि भाव प्रवणता ह्यूमैनिटी को जागृत करती है। फिर आप अपने स्टूडेंट्स के प्रति एक गार्जियनशिप बिहेवियर में, यानी गार्जियन के दृष्टिकोण से एक्ट करते हैं, विचार करते हैं, उनके बेहतरी के लिए हर प्रकार से सोचते हैं। एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो अपने छात्र को के विकास के लिए रात दिन सोचे और यह विचार करे कि हम उसे कैसे बेहतर से बेहतर अध्यापन करा सकते हैं। मैं हमेशा यह प्रयास करता हूं कि मैं आपके लिए कितना बेहतर मैटर तैयार कर सकता हूं। इसीलिए विगत 17 सालों से टीचिंग के इस अनुभव के साथ मैं आज भी अपने नोट्स को हर बैच में अपडेट करता चलता हूं, और मेरा अपडेशन होते होते इतना हो गया है कि लगभग 100 से 150 पन्ने का, कुछ यूनिट्स में तो 195-200 पेजेस के नोट्स पहुंच जाते हैं जो प्रिंटेड मेटर के। जाहिर सी बात है, इन्हें लिखा पाना तो असंभव है, और अगर लिखवाया जाए तो समय में, यानी जिस एग्जामिनेशन के टाइम बीइंग के अंदर हम कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, और लिखने की भी जरूरत नहीं महसूस करता, क्योंकि यूजीसी नेट के पेपर में कहीं से लिखना नहीं आता, बल्कि अब तो गोला बनाना भी नहीं होता, एक क्लिक करना होता है। जबकि आईएएस, पीसीएस, सिविल और अनबैंक एसएससी के एग्जामिनेशन में लेखन का प्रयोग होता है, वहां पर मैं मान सकता हूं कि लिखना जरूरी है, परंतु यहां लिखना बहुत जरूरी नहीं है। यहां समझना, व्यवहारिक क्षमता का विकास होना जरूरी है। ये जान लीजिए, नेट का एग्जामिनेशन कठिन नहीं है, जेआरएफ क्वालिफाई करना कठिन नहीं है, हो जाता है। इवन जेआरएफ के बाद आप पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा आता है इंटरव्यू को क्लियर करना। जेआरएफ की इंटरव्यू को और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू, आप चले जाइए, आपको हर गली मोहल्ले में बहुत से नेट जेआरएफ क्वालिफाइड मिल जाएंगे। हर विश्वविद्यालय में 35-40 जेआरएफ आपको मिलेंगे। 5 साल बीत गया, पीएचडी कंप्लीट कर लिया, उसके 5 साल बाद मिलिए, पर वो जॉबलेस होके टहल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब, और जॉब पाने के लिए हमारा कंटेंट पर कमांड होना बहुत जरूरी है। कंटेंट यानी अपने विषय को कड़े डेप्थ के साथ पढ़िए, बहुत गहराई से पढ़िए, फोकस करके पढ़िए, लेकिन यह ध्यान रखिए कि आप जो पढ़िए उसको अपने व्यवहार में आत्मसात करते चलिए, एसिमिलेट करते चलिए, जिससे आप में एक शिक्षक
दर्शनाने लगे। तो जब आप विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर या किसी एक्सपर्ट के सामने इंटरव्यू दें तो आप में कहीं से ना लगे कि आप नौसिखिए हैं, आप मात्र अभी छात्र हैं, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है और आप कोई अनुभव नहीं रखते। आप बिना अनुभव के आपके व्यवहारों में आपके कार्य झलकने लगे, आपके एटीट्यूड विकसित हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट अन्य तथ्यों को लेकर चर्चा करता हूं। तो अगला जो पॉइंट होता है कि क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कक्षा में प्रभावी अनुशासन, ये ध्यान रखिएगा इफेक्टिव टीचिंग पे तो बहुतायत क्वेश्चन आते हैं, कथन कारक के तो भर भर के कूट कूट के भरा जाता है। अब कथन कारक बहुत इंपॉर्टेंट है व्यवहारिक दृष्टिकोण से, सो व्यवहार को बदलना आपके लिए जरूरी है। और यह प्रश्न आता है कि कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। विकल्प होता है नरमी के साथ व्यवहार, विकल्प होता है दृढ़ता के साथ व्यवहार, विकल्प होता है नरमी व दृढ़ता दोनों के साथ व्यवहार, विकल्प होता है तटस्थ रहकर। तो देखिए तटस्थ रहकर कभी भी यानी न्यूट्रल, ना कोई एक्टिविटी दिखाते हुए, न्यूट्रलिटी के आधार पर शिक्षक को अनुशासन मेंटेन करना असंभव सा हो जाएगा, क्योंकि अगर शिक्षण उद्दंडता के प्रति अपने अपने भाव को अपने कहा जाए तो अपने प्रभाव को नहीं दर्शाएगा तो उद्दंडता पनप सकती है और क्लासरूम में एक साम्यता नहीं बनेगी, एक कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। अतः क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी है कि शिक्षक में एक साम्यता हो। हाँ, अब यहां पर नरमी बहुत अधिक ना हो जाए, क्योंकि अगर नरमी बहुत अधिक हो जाएगा टीचर क्लासरूम में स्टूडेंट्स हल्ला कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं और टीचर कहे ए भैया आप लोग शांत हो जाओ, अरे भैया चिल्लाओ मत, ए भैया भाई साहब, तो फिर जाहिर सी बात है इस एटीट्यूड के साथ तो कोई स्टूडेंट नहीं शांत होगा। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स वैसे भी बहुत दृढ़ होते हैं और वो अपने आप में एगोस्टिक भी हो सकते हैं, उनमें एक भावना हो सकती है, इक्वलिटी की भावना हो सकती है। कई बार ऐसा देखा गया कि शिक्षक और छात्र में उम्र का बहुत अंतराल नहीं होता है, अतः ऐसे दृष्टिकोण से वो उनको अपना प्रभाव नहीं डाल पाते या प्रभाव डालने में अक्षम होते हैं। लेकिन नरमी नहीं बहुत अधिक उचित होगी और दृढ़ता भी बहुत अधिक उचित ना होगा कि शिक्षक एकदम दृढ़ हो जाए, कठोर हो जाए कि दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं तुम्हें निकाल के बाहर कर दूंगा, तुमने अभी मुझे क्या जाना है, मैं मेरी औकात तुम्हारी औकात, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर या इस प्रकार से भावों को प्रभावी होकर नहीं आप क्लास में अनुशासन बना सकते, बल्कि ऐसे स्थितियों में माहौल को समझते हुए प्रभाव डालिए और नरमी के साथ दृढ़ता का व्यवहार कीजिए। आप कह सकते हैं कि देखिए ये मैं आपको अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप लोग अब शांत नहीं होंगे तो मैं क्लास को इसी वक्त सस्पेंड कर दूंगा और जो लोग उद्दंडता कर रहे हैं उनका नाम मैं प्रिंसिपल ऑफिस में, वाइस चांसलर के ऑफिस में भेज दूंगा और आपके गार्जियंस को कॉन्टेक्ट करने के लिए कहूंगा। सो मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि आप शांति को बनाए रखें। देखिए नरमी भी अनुग्रह करता हूं और एक प्रकार की चेतावनी भी, शांति को बनाए रखें नहीं आपके खिलाफ, बात को समझ गए। तो हमेशा एक शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि नरमी के साथ दृढ़ता का व्यवहार दिखाना चाहिए। नरमी के साथ दृढ़ता एक शिक्षक की बहुत ही कुशलता कही जा सकती है, बेहतर रूप से अपने भाव प्रवणता को व्यक्त करने का तरीका कहा जा सकता है। स्टूडेंट से एक अगला प्रश्न आता है कि अध्यापक का प्रारंभिक प्रकार क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्री फंक्शन ऑफ द टीचर, एक टीचर का प्रारंभिक प्रकार क्या है। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, हमेशा हमेशा इस प्रश्न का उत्तर रहेगा द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट यानी बालक का सर्वपक्षीय विकास करना, बालक का हर एस्पेक्ट से डेवलपमेंट करना। अब ये कठिन कार्य है क्योंकि हम तो सिर्फ उसके शैक्षणिक मस्तिष्क का विकास करने आए, हम बौद्धिक तत्व को देने आए, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि बौद्धिक तत्वों के साथ साथ हम उसके अंतर्गत व्यवहारिक शोधन भी करते चले, उसके व्यवहारिक उसकी शैली उसकी जीवन शैली उसकी वैचारिक शैली में भी बदलाव लाए जिससे कि उसमें अन्य तत्वों का भी विकास हो सके, अतः वो बेहतर नागरिक ले। पहले ही मैंने बताया कि एक शिक्षक के लिए उद्देश्य कि वो बेहतर नागरिक बनाने का, तो बेहतर नागरिक बनने की ओर वो उत्सर्ग हो सके। इसलिए एक शिक्षक का ये प्रारंभिक प्रकार है, एलिमेंट्री फंक्शन माना जाएगा कि वो बालक का सर्वपक्षीय विकास करे।
स्टूडेंट्स, एक अगला जो पॉइंट अक्सर क्वेश्चन के रूप में आता है वो है, अध्यापक को बालकों का क्या और स्वीकारा जा सकता है? व्हाट टेस्ट शुड बी, मतलब व्हाट अदर प्रपोजिशंस वुड बी एडेड फॉर द टीचर्स? सो इसमें कई विकल्प आते हैं। उसे मित्र कहा जा सकता है, उसे मार्गदर्शक कहा जा सकता है, उसे दार्शनिक कहा जा सकता है, सभी कहा जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, एजुकेशनल रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सभी कहा जा सकता है। अध्यापक एक स्टूडेंट का एक अच्छा मित्र है, उसका सहयोगी है, उसे रास्ता बताता है यानी मार्गदर्शक है, उसे सही गाइडलाइन प्रदान करता है और उसके वैचारिकी में बदलाव लाता है, इसलिए एक दार्शनिक भी है क्योंकि उसकी सोच से प्रभावित होता है छात्र और वैसे ही विचारों में बदलाव लाता है एक छात्र, अतः एक दार्शनिक की भी विचारधारा उसके अंदर दिखाई दे रही होती है। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों एस्पेक्ट सही हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं अपना अनुभव आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगा, ये हमारा अनुभव है, ये किसी पुस्तक में नहीं है। एक छात्र, एक शिक्षक को संरक्षक के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए, संरक्षक की भावना को रख कर शिक्षण करना चाहिए। मैं आपको यह चाहूंगा कि आपके अंदर व्यवहारिक स्किल इतना डेवलप हो जाए कि कल को जब आप इंटरव्यू में जाएं तो आपसे अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछे तो आप ये तीनों बातें तो जरूर बताएं कि शिक्षक को एक छात्र का अच्छा मित्र, मार्गदर्शक व दार्शनिक माना जाता है। लेकिन मैं अपने विचारों को जो दे रहा हूं, आप ये भी बताएं कि एक शिक्षक बेहतर संरक्षक की भूमिका भी अदा कर सकता है। देखिए, संरक्षक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है शिक्षण शैली में। जैसे आप अपने छोटे भाई बहनों के प्रति कभी अपने जीवन में पढ़ाया होगा, देखा होगा, या आप खुद अपने बड़े भाई बहनों से शिक्षण लिए होंगे, तो छोटे भाई बहनों के प्रति आपका इस प्रकार का एक भावना रहता है कि अपना अगर कोई लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे भाई का, मेरे बहन का, मेरे अपने का या लॉस ना होने पाए, इस लॉस को अगर मैं पूरा कर सकता हूं तो मैं अपना पूरा प्रयास करूं कि इस लॉस को ना होने दूं। और ऐसा अक्सर देखा गया कि जो बड़े भाई बहन होते हैं वो छोटे भाई बहनों को एग्जामिनेशन के टाइम में अपने तमाम कार्यों को स्थगित करके, नहीं भाई अभी नहीं, पिंटू का एग्जाम चल रहा है, नहीं नहीं भाई हम गोलू का एग्जाम है, मैं नहीं आ सकता, रुक जाओ मैं दो चार दिन के बाद जब खाली हो जाऊंगा तभी देख पाऊंगा, अतः अब पूरा भाव होता है कि नहीं नहीं मुझे भाई का, मुझे बहन का, मुझे अपने पर्सन का विकास करना है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सोचना है। ऐसे में हम रात भर भी जाग रहे हैं, ऐसे में हम जितना अधिक हो सकता है सोच रहे हैं कि इनका प्रिपरेशन इतना नहीं हुआ, इसमें इतना। तो गार्जियनशिप रोल में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा हम वैचारिक रूप से प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, एक एक प्रकार से हम गहराई से, गंभीरता से सोचते हैं। और अगर यह सोच कहीं एक शिक्षक में जागृत हो जाए तो जाहिर सी बात है जो भाव प्रवणता उठेगा, उमड़ेगा, वो इतना जबरदस्त होगा कि कोई छात्र कभी भी अपने लक्ष्य में विफल फिर हो ही नहीं पाएगा। अतः शिक्षक का यह रोल बहुत महत्वपूर्ण है कि उसे अपने छात्रों के प्रति इस प्रकार से भाव प्रवणता से सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो अगला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वो है, अध्यापक अपने छात्रों से सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो एक अध्यापक अपने छात्रों से सामंजस्य अपने ज्ञान व कौशल के बल पर स्थापित करता है, अपने नॉलेज और स्किल्स के आधार पर वो अपने वो सामंजस्य को स्थापित करता है। वो इस प्रकार से अपने प्रभाव को डालता है जिससे कि स्टूडेंट उससे प्रभावित हों और उसकी बातों को सुने, समझें, ध्यान दें और गहराई से अवलोकन करने पर बल दें। अगला जो प्रश्न बनता है, शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है, तो इसका तीन चार विकल्प आता है कि यह सामाजिक रूपांतरण का साधन है, या व्यक्तिगत रूपांतरण का साधन है, यह सांस्कृतिक रूपांतरण का साधन है। तो यहां स्पष्ट बता दूं कि शिक्षा जो है वो सभी प्रकार के रूपांतरण का साधन है।
सामाजिक रूपांतरण भी होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के समाज में उसको परिष्कृत करता है, समाज में कैसे हमें अपने कार्यों को व्यवहारों को परिणत करना है, कैसे कृत्य करना है, कहाँ क्या व्यवहार करना है, ये हमें सिखाता है। समाज के रहने योग्य हमें नागरिक बनाता है, एक सुनागरिक के रूप में, एक विकसित व्यक्ति के रूप में हमें शिक्षा हमें अग्रसरित करती है। दूसरा क्या? व्यक्तिगत पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारे भाव में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे विचारों में बदलाव लाता है। व्यक्तित्व का मतलब आप समझते हैं, व्यक्तित्व का मतलब किसी एक तत्व का नहीं होना है बल्कि समग्र तत्व। एक व्यक्ति का गुड लुकिंग जितना इंपॉर्टेंट है, उसका इंटेलेक्चुअल लुकिंग, उसका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर भी व्यक्तित्व में आता है। व्यक्तित्व पर्सोना यानी फ्रेग्रेंस यानी खुशबू। अब व्यक्ति की विभिन्न एटीट्यूड हो सकते हैं, एक व्यक्ति देखने में सांवला हो सकता है लेकिन उसके द्वारा जो व्यवहार किए जा रहे हैं वो बहुत उत्तम हो सकता है। एक व्यक्ति देखने में बहुत सांवला है परंतु वो डॉक्टर है और इतना अच्छा डॉक्टर है कि जो भी मरीज उसके पास पहुंचता है वो ठीक हो जाता है, तो उससे बढ़िया व्यक्ति नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जो जिसकी कद ज्यादा नहीं है, 5.5-6 feet की हाइट का है लेकिन वो उत्तम खिलाड़ी है, इतना बेस्ट खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर है, अतः उससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, तो वो भारत रत्न हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर लुक ही हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लुक भी एक एस्पेक्ट है। एक ऐश्वर्या राय का लुक ही उनकी पर्सनैलिटी है, उनका एटीट्यूड, उनका बहाव, उनकी एक्टिंग उनकी पर्सनैलिटी है। इस प्रकार से पर्सनैलिटी की कई अर्थ हो सकती है। तीसरा, सांस्कृतिक रूपांतरण। संस्कृति क्या है? पहले तो इस बात को आप समझें कि व्हाट इज कल्चर। मैंने अपने क्लास में जब भी बच्चों से इस पर चर्चा किया तो कई बच्चों ने कहा कि रहने खाने का तरीका, कपड़े पहनने परिधान का तरीका, बच्चों ने कहा कि हमारे परंपरा, रीति रिवाज, पूजा पाठ, ये संस्कृति है, धर्म ये हमारी संस्कृति है, परंतु ये सब कुछ एकांगिक विचार है। संस्कृति को समग्र रूप से मैं एक वक्तव्य में कहूं तो ध्यान से सुनिएगा, संस्कृति क्या है? संस्कृति अब तक का सीखा हुआ व्यवहार है। वैसे सुनिएगा, संस्कृति अब तक का सीखा हुआ व्यवहार है। वॉट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ, अब नाउ वी हैव लर्न टिल नाउ, दैट इज ह्यूमन हैज लर्न टिल नाउ, मानव ने जो अब तक जो सीखा इस पृथ्वी पर जब वो आया, उसने उस दिन से आज तक जो सीखा उसे हस्तांतरित करता आया। वट एवर द मैन हैज लर्न फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इनहेरिटेड इट, इट इज सेड टू बी इट्स कल्चर। अब वो कल्चर एक एस्पेक्ट नहीं है, बोलना ही नहीं है, खाना ही नहीं है, रहना ही नहीं है, बल्कि हमारा दिखना भी है, हमारा सोच भी है, यानी यहां दोनों प्रकार के कल्चर। कल्चर को फिर दो भागों में बांटा जा सकता है, वो है भौतिक कल्चर, अभौतिक कल्चर। भौतिक कल्चर फिजिकल अपीयरेंस, हमारा ड्रेस कोड ये भौतिक कल्चर है, पेन एक भौतिक कल्चर है। अब भौतिक कल्चर हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे सोच, हमारे मूल्य आ सकते हैं। पैर छूना अभौतिक कल्चर है, अच्छे वस्त्र पहनना भौतिक कल्चर है। यहां पर मैं थोड़ा और डेप्थ में आपको बताना चाहूंगा कल्चर पर। ऑगवन निमकॉफ ने, जो कि एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने एक अवधारणा दिया, दैट इज कल्चरल लैग, सांस्कृतिक पिछड़ापन, जिसका तात्पर्य होता है कि एक संस्कृति आगे निकल जाए और संस्कृति का दूसरा पहलू पीछे रह जाए, यानी भौतिक संस्कृति आगे निकल गई और अभौतिक संस्कृति का पिछड़ जाना। जनरली ये देखा गया कि अभौतिक संस्कृति यानी मूल्यों में, विश्वासों में, धार्मिक आस्थाओं में बड़ी जल्दी बदलाव नहीं होता है, लेकिन भौतिक संस्कृति में बड़ी तीव्र गति से बदलाव होता है। वस्त्रों के परिधान में एक प्रकार से एक लहर आई, लोगों ने इस प्रकार का वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, पैंट बेल बॉटम के आए तो बेल बॉटम पहनना शुरू कर दिए, कैप आया तो कैप लगाना शुरू कर दिया, यानी देखा और बदला। गाड़ियों के मॉडल में बड़ी तीव्र गति से बदलाव हुए परंतु लोगों के विचारों में स्थिरता दिखाई दी। ये देखा गया कि पारंपरिक रूप से सोच हमारी वैसी रूढ़िबद्ध है और हम आधुनिक हैं क्योंकि हमने परिधान वेस्टर्न पहन लिया है। अतः ये देखा जाना, इस प्रकार से देखा जाए तो भौतिक संस्कृति वो काफी गति ले लेती है और काफी आगे निकल जाती है, जबकि अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है, काफी पीछे रह जाती है। इस प्रकार से
भौतिक और अभौतिक संस्कृति का आपस में पिछड़ जाना सांस्कृतिक पिछड़ापन या कल्चरल लैग कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ बताया कि सामाजिक, व्यक्तिगत और सांस्कृतिक रूपांतरण तीनों को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। अगला एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, वो है अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, सीखने का उद्देश्य। तो यहां तो सीधा उत्तर बनता है कि सीखने का अर्थ ही क्या है, पहले व्हाट इज लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पेक्ट है। कई बार इसको देखा कि एजुकेशन की भी कई स्टूडेंट्स इस बात में मात खा जाते हैं और अक्सर गलत उत्तर दे जाते हैं। मैं स्वयं एक इंटरव्यू में था और मैंने इस इंटरव्यू में, एक ओपन सा इंटरव्यू हो रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मैंने वहां देखा कि एक मैडम जो पीएचडी भी थी, नेट भी थी एजुकेशन विषय से, और उनसे इंटरव्यूअर ने यही प्रश्न पूछा कि व्हाट इज लर्निंग, सीखना किसे कहते हैं, पर उसका सही उत्तर नहीं दे पाए। फिर प्रोफेसर ने खुद ही उन्हें बताया कि लर्निंग का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में बदलाव। तो व्यवहार में रूपांतरण, यही अधिगम का उद्देश्य भी है, क्योंकि आपके व्यवहार में बदलाव लाना, अपेक्षित बदलाव लाना। अब व्यवहार शैक्षणिक व्यवहार, सोच शैक्षणिक सोच में बदलाव लाना, यह भी व्यवहार में बदलाव है। जनरली एक छोटा सा बच्चा है जो मिट्टी खाना शुरू कर देता है, तो मां उसको देखते ही कहती है मिट्टी खाना सीख लिया, सीख वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सीख वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि व्यवहार में बदलाव। वो बच्चा बोल नहीं सकता, बस केवल मिट्टी खाने उसके व्यवहार में बदलाव से ही मां ने कहा कि मिट्टी खाना सीख लिया। इस प्रकार से देखा जाए तो व्यवहार में बदलाव को हम कहते हैं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य, दैट इज व्यवहार में रूपांतरण, सीखना कहलाता है। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो है, छात्र द्वारा कक्षा में सवाल पूछने से मुख्य रूप से क्या निकल के आता है। अब यहां पर कई विकल्प हो सकते हैं, विकल्प में आप उलझते हैं, विकल्प में आप सोचते हैं। मेरा ऐसा मानना है विकल्पों पे उत्तर नहीं देना चाहिए, अक्सर गलतियां आपकी इसीलिए होती है कि आप विकल्पों के अनुसार सोचते हैं। आपको खुद पता होना चाहिए कि इसका सही राइट आंसर क्या है। तो एक स्टूडेंट अगर प्रश्न कर रहा है तो पहला ध्येय क्या है, क्यों एक स्टूडेंट प्रश्न करता है, तो इसका पहला जो उत्तर आता है वो है कि उसकी अस्पष्टता, यानी छात्र द्वारा अस्पष्टता, डाउट फ्रॉम द स्टूडेंट। मैंने कुछ आपको बताया और आपने प्रश्न पूछा, इसका मतलब है डाउट है। पहला यह माना जाएगा कि स्टूडेंट का प्रश्न पूछने का मतलब निकलता है कि ही हैज सर्टेन डाउट इन हिज माइंड दैट ही वॉन्ट्स टू क्लियर फ्रॉम हिज टीचर। इन दैट कॉन्सेप्ट देयर इज द लैक ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट फ्रॉम अ टीचर। यानी इस संदर्भ में देखा जाए तो टीचर द्वारा समझाने में कमी है, टीचर द्वारा समझाने में कमी है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट, दूसरा जो तथ्य यहां निकल के आता है कि अगर एक छात्र उसके बाद भी प्रश्न कर रहा है तो क्या समझा जाएगा। यहां पे क्वेश्चन भी बनता है कि अगर एक छात्र बार बार प्रश्न करता है तो क्या समझा जाएगा, तो यह समझा जाएगा कि वो छात्र जिज्ञासु है। द स्टूडेंट क्यूरियस, क्यूरियस वो जिज्ञासु है, जिज्ञासा उसे प्रश्न करने के लिए मजबूर कर रही है। यानी इसके आगे सर ऐसा होगा तो, अभी आपने बताया ऐसा है, मान लीजिए वैसा हुआ तो क्या होगा, दैट मीन्स वो क्यूरियसिटी है जो वो क्लियर करना चाह रहा है, यू वॉन्ट टू क्लियर हिज क्यूरियसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज दैट द स्टूडेंट व्हेन आस्क्ड अ क्वेश्चन टू अ टीचर इज दैट ही हैज सर्टेन डाउट दैट शुड बी क्लियर। यानी वो कुछ अस्पष्ट तथ्य रखता है जिसे क्लियर करना चाहता है। देन आफ्टर इफ ही आस्क्स अगेन द क्वेश्चन, यानी फिर भी अगर वो प्रश्न करता है, दैट मीन्स ही वॉन्ट सम क्यूरियसिटी टू बी क्लियर, उसकी कुछ क्यूरियसिटी है जिसे वो क्लियर करना चाहता है। अंडरस्टूड? तो यहां पर स्टूडेंट्स इस बात को गहराई से समझना होगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आता है कि शिक्षक छात्र संबंध कैसा होना चाहिए, एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन कैसा होना चाहिए। और इस पर अक्सर लोग कहते हैं, स्टूडेंट्स बोल, मैं जब क्लास में पूछता हूं तो बच्चे बताते हैं कि सर इसमें स्टूडेंट जो है वो
टीचर पिता पुत्र, पिता पुत्री जैसा संबंध होना चाहिए, पिता जैसा संबंध होना चाहिए, माता जैसी सोच। देखिए ये सब कुछ नहीं, सामाजिक रिश्ता नहीं होता एक टीचर स्टूडेंट के बीच में। कई बार ये देखा गया कि टीचर उम्र में छोटा है और स्टूडेंट उम्र में ज्यादा है। यूजीसी नेट जीआरएफ में तो बहुत आयत ऐसा होता है कि बच्चे उम्र में हमसे कई ऐसे होते हैं जो काफी उम्र के बड़े होते हैं। बैचेस में मैं अक्सर देखता हूँ 5 से 6 लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 50+ के पास है। वो जब क्लासरूम में आते हैं तो अब वहां पर मेरा कोई सामाजिक रिलेशन नहीं हो सकता, समझ रहे, या सामाजिक रिलेशन नहीं होगा। यहां पर जो रिलेशन होता है वो बहुत गहराई वाला होता है। और गहराई का रिलेशन क्या है? एक शिक्षक अपने छात्र के प्रति सद्भावना पूर्ण रख के विचार सोचता है, यानी सद्भाव, वेल विश। और बदले में एक स्टूडेंट अपने छात्र की, अपने शिक्षक के प्रति सम्मान रखता है। तो इस रिश्ते से देखें तो सद्भाव और सम्मान का रिश्ता होता है, वेल विश और रेस्पेक्ट का रिश्ता होता है, और ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। जितना ही एक टीचर स्टूडेंट के लिए वेलविश सोचेगा, यानी जितना ही एक टीचर स्टूडेंट के लिए बेहतरी सोचेगा, कल्याण का भाव सोचेगा, उतना ही स्टूडेंट टीचर को रेस्पेक्ट देगा। और जितना ही स्टूडेंट टीचर को रेस्पेक्ट देगा उतना ही टीचर स्टूडेंट के लिए वेलविश सोचेगा। बोथ आर वाइस वर्सा है टू अदर, यानी एक दूसरे के पूरक है। तो यहां पर जो शिक्षक छात्र का संबंध बताया जाता है वो सद्भाव और सम्मान पूर्वक का बताया जाता है। स्टूडेंट एक प्रश्न और आता है कि शिक्षक छात्र व अभिभावक का संबंध कैसा होता है? एक गार्जियन का जो रोल है वो टीचिंग में कैसा होता है? अब ये देखिएगा ये क्रमवार बदलता है, यानी यहां पे आपको प्रश्न में देखना होगा कि पूछा गया है किस संदर्भ में, उच्च शिक्षा के संदर्भ में, मध्य शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में। क्योंकि अभिभावक हर जगह अभिभावक का रोल थोड़ा थोड़ा बदलता है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में अभिभावक का रोल बहुत अधिक हो जाता है। अगर स्कूल भेज दिया जाए बच्चे को, घर में मां उसको बैठ करके कखा गाघा ABCD पोयम को नहीं रटवाएगी रोज, तो जाहिर सी बात है बच्चे को कुछ भी बेहतर नहीं आ पाएगा। उसी प्रकार से एक अभिभावक का रोल रहता है अधिक जब वह सेकेंडरी एजुकेशन में उसका बच्चा होता है, क्योंकि उसे देखना होता है कि वो कितना सीख रहा है कितना नहीं सीख रहा है, क्योंकि अभी बच्चा कच्ची मिट्टी का है, अभी वह उतना परिपक्व नहीं है, कहीं वो किसी अन्य क्षेत्र में भटक तो नहीं रहा है, शिक्षा से भाग तो नहीं रहा है। अतः तीसरे स्तर पे देखा जाए तो अभिभावक का उतना गहन योग तो नहीं होता जितना प्राइमरी और सेकेंडरी में होता है, परंतु ये नहीं होता कि अभिभावक नगण्य हो जाता है। अभिभावक यहां पर एक संयोजक की भूमिका अदा करता है। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, एक कैटलिस्ट की भूमिका अदा करता है, उत्प्रेरक का भूमिका अदा करता है। उत्प्रेरक यानी बढ़ावा देने वाला। जैसे किसी एक एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो उसमें एक उत्प्रेरक होगा, कैटलिस्ट होगा, जो कि एक्सपेरिमेंट के दर बढ़ाने और घटाने का काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार से एक अभिभावक जो है वो यहां पर इस रोल के साथ अदा करता है, एक कैटलिस्ट का रोल अदा करता है। ये यूं कहें, एक और शब्द है कपूला की भूमिका अदा करता है। कपूला क्या होता है? एक लिंकिंग वर्ब होता है। जैसे राम इज गुड, इसमें राम और उसके अच्छे होने का संदर्भ बताया जा रहा है। राम अच्छा है, परंतु राम अच्छा है या कह देने से में, इस बात को कहने में राम और अच्छा में है, यानी इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम सिर्फ राम गुड कहें तो मीनिंग नहीं क्लियर हो सकती, बेहतर रूप से उसको नहीं समझा जा सकता। अतः राम इज गुड, अब इज क्या है? कपुला है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक इसी प्रकार से शिक्षक और छात्र तो हैं, परंतु अभिभावक वहां पर एक मिड रोल अदा कर रहा होता है।
अगर अभिभावक उच्च शिक्षा के स्तर पर अपने छात्र अपने संतान के प्रति गहराई से सोच, गहराई से विचार और लगातार उनकी प्रगति का अवलोकन करते रहें, ऑब्जर्व करें कि वो कितना डेवलप कर रहे हैं, उनसे इंक्वायरी करते रहें कि आज आपने क्या पढ़ा, सर ने पढ़ाया, कहते आज आप क्लास, अच्छा ठीक है, मेहनत करते रहो, ठीक है बेटा कल फिर बात करेंगे, भाई 5 मिनट बात किया, परंतु 5 मिनट एक दबाव था, अच्छा इससे भी तो क्लास में हो गया बेटा, हाँ 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 पापा वो 4 बजे क्लास है, अच्छा अच्छा ठीक ठीक है आप क्लास तो मैं ऐसे, अब उन्होंने जानबूझ के 4 बजे कॉल कर दिया ये देखने के लिए कि रियलिटी में क्लास में है कि नहीं, हाँ यह झूठ बोल सकता है बच्चा, परंतु मनोवैज्ञानिक रूप से इमोशनल अटैचमेंट होता है माँ बाप के प्रति, तो अधिक संभावनाएं हैं कि वो सत्य बोलेंगे और प्रयास करेंगे कि वो पकड़े ना जाए, अतः उन पर एक दबाव बना रहेगा, अतः दबाव की भूमिका। तो इस प्रकार से अध्यापक जो एक अभिभावक है वो शिक्षक और छात्र के बीच में देखा जाए तो कपुला की भूमिका अदा करता है, कैटलिस्ट की भूमिका अदा करता है, दोनों के बीच में एक प्रकार से संयोजक की भूमिका अदा करता है। अब यहां जान लीजिए शिक्षक और छात्र ये द्विध्रुवी होते हैं, द्विध्रुवी, द्विध्रुवी मतलब दो सिरे होते हैं। कई बार ये प्रश्न आता है कि शिक्षण प्रक्रिया में द्विध्रुवी होती है, सत्य क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, तो दिस इज बायपोलर प्रोसेस, दिस इज ट्राइपोलर प्रोसेस, तो यहां पर ध्यान रखिए ट्राइपोलर तो कुछ नहीं, बायपोलर होता है, यानी एक सिरे पे शिक्षक और दूसरे सिरे पे छात्र होता है। यहां अभिभावक जो है वो कैटलिस्ट हो सकता है, मोटिवेटर हो सकता है, उत्प्रेरक हो सकता है, कपुला हो सकता है, लेकिन संयोजक हो सकता है, लेकिन वो ध्रुव नहीं हो सकता। अगला जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, अध्यापक का आईना क्या है, किसे अध्यापक का आईना कहा जाएगा? ऑप्शन रहता है स्टूडेंट को अध्यापक का आईना कहा जाएगा, करिकुलम का अध्यापक का आईना कहा जाएगा, ब्लैक बोर्ड का अध्यापक का आईना कहा जाएगा, या कोई अन्य तथ्य। तो यहां पे ध्यान रखिए अध्यापक का आईना जो है उसे ब्लैक बोर्ड कहा गया है। अभी बड़ी सोच वाली बात है ब्लैक बोर्ड क्यों, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे अध्यापक अपने विचारों को प्रदर्शित करता है, इसलिए उसे अध्यापक का आईना कहा गया। बहुत से बच्चे इस प्रश्न के उत्तर के रूप में स्टूडेंट रखते हैं जो कि गलत हो जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट जो तथ्य है जिसको मैं डिस्कस करने में बड़ा आनंद महसूस करता हूं, वो ये कि अध्यापक की लोकप्रियता निर्भर करती है। तो एक बेहतर अध्यापक, एक लोकप्रिय अध्यापक या किसे कहा जाएगा, और इसी के साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा रहता है, अध्यापक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है। तो अध्यापक की लोकप्रियता, अब इस पर ऑप्शंस आता है कि उसे विषय का कमांड होना चाहिए, महत्वपूर्ण विशेषता कि उसे अपने सब्जेक्ट का खूब अच्छे से कंटेंट मास्टरी, यानी कि सब्जेक्ट का खूब अच्छे से मास्टर होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, विषय का निपुण पंडित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन रहता है अपने विषयों को अच्छे से संप्रेषित करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी अच्छी संप्रेषण क्षमता का होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन रहता है सामाजिकता गहराई से होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन हो सकता है कि प्रबंधन के कार्यों में वो निरंतर सक्रिय रहना चाहिए। तो देखिए प्रबंधन के कार्यों में सक्रियता शिक्षक की भूमिका नहीं होती, समाज से शिक्षक का सीधा संबंध नहीं होता, तो सी और डी ऑप्शन नहीं होता। अब ए और बी में कंफ्यूजन होता है कि विषय की कमांड यानी मास्टरी विशेषता होगी या अच्छी संप्रेषण क्षमता। अब इन दोनों पर कई बार बच्चों के मन में विवाद आता है कि अगर हम ये कहते हैं कि अच्छी संप्रेषण क्षमता, तो सर अगर उसे अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो अच्छे संप्रेषण कैसे करेगा। फिर ये आता है कि अगर हम ये कहें कि अच्छा कमांड मास्टरी और द सब्जेक्ट, तो सर कितना भी मास्टरी हो जाए अगर अच्छे से बताना समझाना नहीं आएगा तो कैसे आएगा। तब इन सारे दोनों कॉन्सेप्ट में कौन जीतेगा? तो जो एजुकेशनल रिसर्च है वो ये कहता है इन दोनों कॉन्सेप्ट में बेहतर समझाने का तरीका, अच्छा टीचर वो है जो बेहतर तरीके से प्रोवाइड करता है,
व्हाट इज द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर? तो ध्यान रखिएगा, टीचर बनने के लिए एसेंशियलिटी की जब प्रश्न आता है तो उसका विषय पे गुण ज्ञान होना जरूरी हो जाता है। लेकिन जब एक टीचर की अच्छी विशेषता है, तो टीचर तो बन चुका है, अब उसकी अच्छी विशेषताओं का प्रश्न है, तो ऐसे में वो अपने ज्ञान को कैसे संप्रेषित करता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हाउ इट प्रोवाइड्स इट इंफॉर्मेशन टू हिज पीपल्स, अपने ज्ञान को कैसे देता है, ये यहां पर मस्ट हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो अगला पॉइंट बनता है वो है प्रभावी कक्षा कक्ष, इफेक्टिव क्लासरूम। इफेक्टिव क्लासरूम किसे कहेंगे? तो इफेक्टिव क्लासरूम कहेंगे एक लाइवलीनेस क्लासरूम, यानी स्टूडेंट और टीचर जिंदा दिली के साथ बैठे हो, एक दूसरे से अगर संपर्क कर रहे हो, एक दूसरे के सामने आमने हैं, तो एक दूसरे से आई टू आई कॉन्टेक्ट करें। एक टीचर एक मैजिकल चार्म लेकर क्लासरूम में, जो स्टूडेंट उसके साथ हो वो उसके साथ चिपक से गए हो, यानी उसके विचारों के इर्द गिर्द घूम रहे हो। जस्ट लाइक अ पेंडुलम, अगर टीचर इधर मूव करे तो स्टूडेंट की आईज इधर मूव करे, टीचर लेफ्ट तो स्टूडेंट की आईज लेफ्ट की ओर जाए। जस्ट लाइक अ टेनिस बॉल इन अ कोर्ट, जिस तरफ टेनिस बॉल मूव करता है पूरा कोर्ट और ऑडियंस उधर मूव करता है। ठीक इसे ही टीचर एक मैजिकल चार्म के साथ क्लासरूम में होना चाहिए, इसलिए शिक्षक छात्र की सजीवता बनी रहनी चाहिए। क्लासरूम में एक दूसरे से लगातार गंभीर रूप से जुड़े होना चाहिए। स्टूडेंट से एक अलग प्रश्न आता है, वो है कि अध्यापक का वह गुण जो विद्यार्थियों को सर्वाधिक पसंद किया जाए। सर विद्यार्थियों का सर्वाधिक पसंद किया जाता है, यानी सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गुण कौन सा है? तो इस प्रश्न के उत्तर में सबसे ज्यादा जो सटीक तथ्य है वो है उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक, एक हाई प्रिंसिपल वाला टीचर, आइडियल प्रिंसिपल वाला टीचर। देखिए एक टीचर अगर अपने सिद्धांतों में दृढ़ व्यक्ति है, यानी समय पे कहता है क्लासरूम में आना है तो खुद वो समय पर आ जाए, उसने जो कहा कि इतना कंटेंट हम इतने समय में पढ़ाएंगे तो पढ़ा दे, उसने जो कहा कि समय पे हम टेस्ट लेंगे तो टेस्ट लें, उसका हर कथन सत्य वाक, उसका हर कथन सही हो, वो जो बोले वैसा ही करे, तो ऐसे शिक्षक को सर्वाधिक पसंद किया जाए। अब इसके अलावा अगर ये विकल्प ना हो तो अनुशासन प्रिय शिक्षक अगला होता है ऑप्शन जो पसंद किया जाता है, क्योंकि अनुशासन उसकी आइडियल पर्सपेक्टिव में आ जाता है, उच्च आदर्श दृष्टिकोण में आता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो है हाई प्रिंसिपल वाला टीचर लाइकिंग होगा। स्टूडेंट अब यहां पर अगला बिंदु जिस पर मैं चर्चा करूंगा वो अक्सर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया कि शिक्षण सामग्री के उपयोग का महत्व क्या है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि शिक्षण सामग्री पर प्रश्न पूछा जाता है और दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो महत्व पर और दूसरा आएगा उद्देश्य पर। तो शिक्षण सामग्री के उद्देश्य, शिक्षण सामग्री के उपयोग का महत्व जब पूछा जाए तो इसमें सबसे पहले महत्व है मनोरंजन प्रदान करना। तो शिक्षण सामग्री का उद्देश्य है मनोरंजन, यानी मनोरंजनात्मक रूप से समझाना, क्योंकि जनरली क्या होता है शिक्षण एक प्रभावी तत्व है, बोझिल कार्य है, और बहुत अधिक हम उसको किसी को बताते रहे तो सुनते सुनते बोझ एहसास होता है, इसलिए बोझिल कार्य से विमुख हो जाने के, बोझिलता को दूर करने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जा सकता है, किसी चीज को डिस्प्ले किया जाए तो लाइकिंग पैदा हो जाए। दूसरा है प्रभावी, इफेक्टिवनेस, और तीसरा है सरलता लाने के लिए। तो मनोरंजक, प्रभावी और सरलता लाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, उसका महत्व है। लेकिन जब महत्व की जगह उद्देश्य पूछा हो तो ध्यान से सुनिएगा, उद्देश्य पूछा हो तो उत्तर बनता है शिक्षण के बोध स्तर को ऊंचा उठाना, टू अपलिफ्ट द परसेप्शन लेवल ऑफ थॉट, सोच के स्तर को ऊंचा उठाना, ठीक है, यानी शिक्षण को समझ के अकॉर्डिंग लाने के लिए, समझ की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाना। दोनों में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन गहराई से समझिएगा, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा ऑपरेटिव रूप से, चीरफाड़ात्मक रूप से, ऑपरेशनल रूप से समझिएगा और फिर उत्तर दीजिएगा।
अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा की जाती है वो है शिक्षक का सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा चुनौती होती है क्लास में आनंददायक स्थिति बनाए रखना। अब क्लास में पढ़ा रहे हैं, तीन तीन घंटा पढ़ा रहे हैं, कभी कभी तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है। अब पता चल रहा है कि बच्चा बोर होता चला जा रहा है, नहीं पढ़ने की इच्छा है, जबरदस्ती पढ़ रहा है, ठूस रहा है दिमाग में, तो टीचर इस प्रकार से पढ़ाए कि एंटरटेनमेंट, एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट का माहौल क्रिएट होता रहे। ये एक शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे ज्यादा चैलेंज होता है एक टीचर के सामने कि अच्छा पढ़ाए और कंटेंट युक्त पढ़ाए और अपनी बातों को बेहतर रूप से प्रदर्शित करे, स्टूडेंट जो है वो बोर ना होने पाए, आनंद स्थिति आती रहे। फॉर एग्जाम्पल, तीन घंटे की एक फिल्म आप देखते हो, लेकिन कुछ फिल्म ऐसी छू जाती हैं कि जिसमें लगता है अरे यार 2 मिनट और, अरे अरे यार 10 मिनट और दिखा देता। अब चोर से प्रेशर है पर उठ के भाग नहीं रहे इसलिए कि नहीं फिल्म छूट जाएगी। अब जाहिर सी बात है वहां क्या दिख रहा होता है, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, आनंद। अगर यही आनंद जैसी स्थिति क्लासरूम में क्रिएट हो जाए तो क्लासरूम में जो बातें निकल के आएंगी, जो समझ विकसित होगा, वो लाजवाब होगा, गजब का होगा। अगला जो बिंदु है वो है अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किस पर होता है। ऑप्शन रहता है स्वयं शिक्षक पे होता है, छात्र पे होता है, करिकुलम पे होता है, प्रबंधक पे होता है। तो हमेशा इस प्रश्न का उत्तर यही रहेगा, स्वयं शिक्षक का, क्योंकि क्लास में पहला वक्ता शिक्षक होता है। जब शिक्षक क्लासरूम में आता है तो अपने अपने वक्तव्य से, अपने चार बिहेवियर से स्टार्ट करता है, बोलना और बताना, समझाना। अतः उसके कहने और उसके प्रभाव से क्लासरूम मोटिवेट और क्लासरूम कल्टिवेट और प्रोडक्टिव होती है। अतः पहला जो प्रभावी तत्व है वो है टीचर। अब टीचर के कोऑपरेटिव होने पर स्टूडेंट का कोऑपरेशन जगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्वयं अध्यापक का अपने समन्वय के लिए उत्तरदायित्व का होना। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वो है अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा राज क्या है, कारण क्या है। तो जान लीजिए, एक टीचर कितना अच्छा वक्ता क्यों ना हो जाए, कितना बढ़िया क्यों ना पढ़ा दे, लेकिन नॉलेज भी तो होना चाहिए। तो भाई असफलता, ये ध्यान रखिएगा, आप इनको अन्य तथ्यों से न जुड़े, वो विशेषता था या असफलता, विशेषता तो समझाने का तरीका, लेकिन जब असफलता तो कंटेंट का नॉलेज ना होना, विषय का गुण ज्ञान ना होना, नॉट हैविंग द कमांड ओवर द सब्जेक्ट, यहां पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखे रहिएगा, नहीं तो यही सब चोट दे जाता है एग्जामिनेशन में। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हायर एजुकेशन पे, हमेशा याद कर लीजिए, हायर एजुकेशन पे जो शिक्षण का उद्देश्य है वो सूचना को प्रोवाइड करना, प्रदान करना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इसीलिए यहां लेक्चर मेथड अपनाया जाता है, लेक्चर देना। दूसरा, अगर ये ऑप्शन ना हो तो निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है। हायर एजुकेशन पर लिखा हो तभी उत्तर देना है, ध्यान रखिएगा। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है, स्व अध्याय के लिए प्रेरित करना, टू प्रमोट स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ स्टडी, यानी वो अपने सेल्फ स्टडी को कैसे आगे बढ़ाए। और एक बिंदु छूट गया, उसकी भी चर्चा कर लेता हूं, शिक्षण प्रक्रिया के आधारभूत तत्व क्या है, तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। क्योंकि एक टीचर और एक स्टूडेंट तभी जुड़ते हैं जब करिकुलम होता है। तो नेट का एग्जामिनेशन पास करना है इसलिए आप हमसे जुड़ लें, और नहीं तो ना मैं टीचर ना आप स्टूडेंट, हम सब एक आम नागरिक, आम व्यक्ति, और कोई संबंध हमारे के बीच में नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने अभी आपको यहां पर एक्सप्लेन किया। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिसे मैंने अभी आपको यहां पर इन डेप्थ अवेयरनेस के साथ एक्सप्लेन किया। इनको बड़े गहराई से ध्यान में रखिए, रिमेंबर कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस की विशेषता के अनुसार आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप इसको बेहतर रूप से समझकर अपना विकास कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज को ध्यान में रखिए, एग्जामिनेशन नियर अबाउट है। जो लोग इस कमिंग एग्जामिनेशन के लिए, जो कि जून में होना था, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो चल तो गया है एग्जामिनेशन, लेकिन 2-2.5 महीने बाद आ जाएगा। अतः कोर्स बहुत ज्यादा है और
समझ का विकास एक दिन में नहीं होता है, इसलिए रेगुलर क्लासेस को लेना जरूरी है। तो जो लोग मेरे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं और जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे इस वक्त ऑनलाइन में क्लास ले रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप एक भी क्लास को मिस ना करें। मैं बिल्कुल प्रार्थना करबद्ध रूप से आपसे कर रहा हूं कि एक भी क्लास को मिस ना करें। प्लीज जूम पर जितनी क्लासेस मैं ले रहा हूं आप लोग उसको लेते रहिए, और जिनका नेटवर्क इश्यू की वजह से क्लास छूट जाता है वह यूट्यूब पर लगभग मैक्सिमम वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं। मैंने आज ही लगभग 7 से 8 वीडियो अपलोड किए और आज भी ये वीडियो मैंने एक पूरी तरीके से टीचिंग पर प्रिपेयर किया। मेरे कुछ प्यारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे, न्यूली अभी एडमिशन हुआ है, वो शंका के दृष्टिकोण से भाव वो एक प्रकार से या कुछ अन्य शिक्षकों से प्रभावित होने के दृष्टिकोण से या शंका के दृष्टिकोण से कि सर ये टीचिंग क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने खत्म किया था। तो जाहिर सी बात है दोबारा रिपीट अभी नहीं कर रहा था, लेकिन आप कह रहे हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से मैं ये टीचिंग के वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, आप इनको पढ़ें, इनसे सीखें और एग्जामिनेशन तक में अच्छी तरीके से एक एक कंटेंट की तैयारी करते चले। तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से बहुत कुछ आपको मिला होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। मैं जल्द ही अगले वीडियो में मिलूंगा जिसमें मैं कंटेंट शुरू करूंगा, यानी अभी मैंने केवल बेसिक प्रश्नों बेसिक कहा जाए तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। अब जो हमारा पहला सेक्शन है दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें कुछ डेफिनेशंस इत्यादि और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर अगले वीडियो में हम और आप जल्द ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ और फिर कहूँगा कि हृदय की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।